जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत तरबंधा गांव के खेत में 6 साल पूर्व दफनाए गए हाथी के कब्र को खोदकर दांत एवं हड्डी चोरी करने की घटना प्रकाश में आई है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में 11,000 हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से झुंड से बिछड़े एक हाथी की मौत हो गई थी। घटना के बाद वन विभाग एवं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हाथी को दरभंगा गांव स्थित बंदा हरियार के एक खेत में दफना दिया था। ग्रामीणों ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि अज्ञात चोरों द्वारा पहले हाथी का दांत चोरी कर लिया गया, फिर हाथी की हड्डी को भी काट कर ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से बड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताते चलें कि इसके पूर्व भी एक बार कब्र खोदकर हाथी की कीमती हड्डियों की चोरी की गई थी।